हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन में वेलकम है। आज आपको मैं एक डेट से दिन पता करना, कैसे किसी डेट कोई पड़ी हुई उसका दिन अगर हमें पता करना कि इस दिन इस डेट को क्या दिन था, तो ये कैसे पता करेंगे, इसके लिए आपको फार्मूला बताते हैं। बहुत ईजिली है, तो मैं पहले डेट लिख लेता हूँ। तो मैंने ये डेट लिख रखी है, मैंने ये डेट लिख ली है और यहाँ पर ये डेट है और मुझे यहाँ पता करना है कि इस तारीख को दिन कौन सा है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला मुझे लिखना है यहाँ पे, इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट, फिर उस सेल में क्लिक करना है जिस सेल में डेट हमें डेट है, यानी जिस सेल की डेट का दिन पता करना है, तो उस सेल में क्लिक करना है। फिर कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमा में DDD तीन बार, यानी डे करके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दीजिए। तो इंटर करते ही क्या है, देखिए दिन बता दिया, ठीक है। अब अगले दिन पता करने के लिए आप इसको फार्मूले को एक्टिव करा दीजिए, तो अगला दिन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि इस तारीख को कौन सा दिन था। अब हमें पता करना है कि ये 1/12/2020 को तो ये दिन था, लेकिन 19/12/2020 को क्या था। तो हमें यहाँ से सिर्फ डेट चेंज करनी है, हम यहाँ से 19 कर देते हैं, 19 है ना, 19 कर देते हैं, 19 करते ही इंटर करेंगे। तो ये 1/12/2020 में जो दिन था, ये इंटर करते ही ये दिन अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। देखिए वेडनेसडे उस दिन भी था और एक है ना, तो इस तरीके से आपको दिन का पता चल जाएगा। अब हमें इस फार्मूले में यहाँ से इस तारीख से हमें सिर्फ डे पता करना है, यानी इस डेट में दिन यहाँ पर कौन सी तारीख है। दिन तो पता चल गया, तारीख कौन सी ये हमें पता करना है, सब अपने आप आ जाए, सिर्फ दिन निकला है। तो इसके लिए हमें करना ये है कि यहाँ पर हमें फिर फार्मूला देना है, इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट, फिर उस सेल में क्लिक करना है जिस सेल से उसको डेट पता कर दी है ना, डेट का दिन पता करना है। फिर कॉमा करके फिर हमें यहाँ पर दिन के लिए हमने 3 बार DD किया था और अभी डेट के लिए 2 बार DD करना है, इन्वर्टेड कॉमा में 2 बार DD करके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है और ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। तो इंटर करते ही ये देखिए तारीख इसने बता दिया और फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको एक्टिव करा देना है। तो एक्टिव करते ही ये 9 तारीख 15 तारीख इसमें इसने अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया इस तरीके से। ऐसे ही जो है इसी तरीके से हमको पता करना है, मान लीजिए मंथ पता करना है, तो मैंने यहाँ पे मंथ लिखा, यहाँ हमने मंथ लिखा, मंथ लिखने के बाद इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट डेट पे क्लिक किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डेट पर क्लिक किया, फिर कॉमा करके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में MM लिखना है और ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देना है। तो ये मंथ आ जाएगा, देखिए इसमें 12 मंथ है। अब मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं करता हूँ 12 की जगह मैं इसको कर रहा हूँ 9 है ना, 9 कर रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मंथ 9 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से मुझे ईयर पता करना है, तो ईयर के लिए भी आप लिखेंगे टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज और फिर डेट पर क्लिक करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है YYYY है ना, ब्रैकेट क्लोज एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। इंटर करते ही देखिए इसमें से 2019-20 जो है इसने अलग कर दिया और 2000 है ना 20 अलग कर दिया। इसको मैं कर रहा हूँ 2009 इंटर कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ 2009 अपने आप आ रहा है। तो इस तरीके से ये सारा फार्मूला आपका ऑटोमेटिक पड़ जाएगा, इसको आप देख लें, समझ लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू एंड बाय, ओके।